मेरा बर्थडे मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा ठीक, कहाँ जाना था आपको? मुझे तो कहीं नहीं जाना था, घर पे ही रहते। मैं अच्छे से छोले बनाती, जीरा राइस वही खाते। बर्थडे के दिन भी छोले? देखा, फिर कहते कहीं लेके नहीं जाते मुझे। यही है, अब शुरुआत से यही हो रहा है। अब लगता है आपकी स्टोरी सही थी। रायता देख रहे हैं आप, बूंदी रायता 350 रुपए का। कितने की आती है दही? 56 रुपए की आधा किलो। बूंदी आता होगा कुछ 12-14 रुपए का। काला नमक, जीरा पाउडर, बस। रायता नहीं खाएंगे? वो होता है, बड़े बड़े होटल में इतना ही रेट लगता है। मसाला पापड़ बेच रहे हैं 150 रुपए में, लूट मची है। पापड़ में मम्मी इतने जोर से रेट डिस्कस मत करो यार भाई, बहुत महंगा है यहाँ पे सब कुछ, मुझे नहीं खाना। अरे बर्थडे आपका, खाइए ना मम्मी, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ तो देंगे तुम्हारे पापा और तुम मिलके। मेरे लिए पानी मंगवा दीजिए। बर्थडे के दिन पानी पियोगे? 60 रुपए का पानी, 20 रुपए का पानी 60 रुपए में। पानी भी नहीं पियूंगी, टैप वाटर फ्री होता है पर। अच्छा तो मैं नल का पानी पियूं बर्थडे के दिन? पर मंजू पानी पानी होता है, और वैसे भी ये मिनरल वाटर बॉटल में सादा ही पानी भर के बेचते। तो आप पीजिए नल का पानी, इनके लिए टैप वाटर कह देना। वेटर टैप वाटर नहीं, मिनरल वाटर ही देना भाई। क्या मंजू, गिफ्ट गिफ्ट तो दिए नहीं, टैप वाटर पिला रहे। हैप्पी बर्थडे। वेज होटल में भी तो जा सकते थे ना खाना खाने, यही आना था। होटल में क्या मंजू, वेज नॉन वेज या घर थोड़ी अलग से थोड़ी बनाएंगे। आपको क्या, आप तो खा ही लेंगे। आप चिकन मंगवा के खा लीजिए ना। अच्छा तो एक चिकन। चिकन नहीं खाना है ना आज? नहीं मन, चिकन नहीं खाने का मन है, पनीर खाएंगे। अरे यहाँ पे आए क्योंकि ये नया खुला है ना अभी ना, इसके रिव्यूज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नया खुला है तो सारे लोग नया रेस्टोरेंट खोलते रहेंगे और तुम उसमें जाके बैठ के खाते रहे। बर्थडे इसके लिए आए, रोज कहाँ मैं जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। इसमें इंडियन सेक्शन कहाँ है, रोटी वगैरह कहाँ है? रोटी, हाँ तो रोटी वो ब्रेड के कॉलम में, सैलेड ही दिख रहा है। पेज घुमाइए ना, है इंडियन फूड, रोटी पनीर वगैरह। पनीर से अच्छा मशरूम ऑर्डर कर लीजिए ना। हाँ ना मम्मी, कुछ नया ट्राई कीजिए ना। लेट अस ईट सम इटालियन फूड टुडे पापा, पिंक सॉस पास्ता। अरे नहीं बेटा, पास्ता वास्ता से पेट नहीं भरता हमारा बिल्कुल भी। हमारे लिए तुम एक काम करो, ऑर्डर कर दो एक पनीर टिक्का, दाल फ्राई, जीरा राइस और 4 बटर रोटी। अच्छा यही सब तो मैं घर पे भी बना रही थी, इसके अलग से पैसे देने की क्या जरूरत है होटल में आके? तुम तो छोले बोल रही थी। गलती हो गई मुझसे, सजा दे दीजिए मुझे, दीवारों में चुनवा दीजिए। तुम्हारी मम्मी अपने आप को अनारकली और हमको मुगले आजम समझी है। दीवार में चुनेंगी। गर्दन उड़ा दीजिए मेरी, बलि दे दीजिए। चढ़वा तो दे पर चढ़ाएगा कौन? बर्थडे के दिन इतना गुस्से में क्यों रहती हो भाई? हाँ तो बर्थडे के दिन इंसान क्या हंसा कूदता रहेगा 24 घंटे? स्वीट ड्रिंक्स, कोई ऐसा एक दिन बता दो जिस दिन मम्मी पूरा दिन खुश। पापा बार बार मार दिए। चचे प्लेट देखा है आपको, क्या लगता है ये सब माजते हैं बैठ के? नहीं ऐसे ही था। अरे बिजनेस करने बैठे हैं मंजू, थोड़ी वो बाई है जो आके साफ कर देगी साबुन लगा के अच्छे से। मम्मी दुपट्टे से मत करो, नैपकिन से साफ। पापा स्लीव से है ना टिश्यू? तुमको साफ सफाई से भी प्रॉब्लम है? हाँ एम्बैरस्ड फील होता है ऐसा मत। बड़ी इनकी इज्जत यहाँ पे खतरे में है, ऐसा था तो बेटा लाना ही नहीं चाहिए था ना मम्मी पापा को। फिर अब साफ है। A few moments later. ये लीजिए आपका बर्थडे ना, आप ये पीजिए। रेड मेरा फेवरेट कलर है इसीलिए पी रही हूँ। हाँ बढ़िया, तुम्हारा रेड है, मेरा ब्लू है। हाँ आपका ब्लू है। एक एक से पूरा पीना पड़ेगा, एक एक बूंद तक। 350 का तो ये रुआबजा दिया है। रुआबजा नहीं मम्मी, वाटरमेलन। कोई वाटरमेलन रुआबजा सभी होता है। एसी है तो मुंह पे चला रखी है उसको। बेटा उसको बोलो ऐसे थोड़ा उधर कर दे। ये महंगे होटल वाले इतनी लाइट क्यों लगा देते हैं? हाँ तो लाइट तो लगाएंगे ना, अब बिजनेस है, इतना पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे तभी तो लोग आएंगे। मतलब ये सब तो फालतू में चल रही है ना, इस ये सब नहीं होती तो भी इंसान को दिखाई तो देता। मतलब एकदम गौर से देखें खाने में कुछ गिरा है कि नहीं। खरीद लिया होगा उसने मम्मी इतना सारा लाइट, तो फिर सोचा लगा ही देता हूँ। अभी भी एसी की हवा एकदम मुंह पे आ रही है। बेटा बोलो ना वेटर को एसी बंद कर दे हमारे यहाँ का, हमें नहीं। अरे एसी बंद करवा देंगे तो गर्मी लगेगी ना फिर। कम भैया कम कर दीजिए, बंद मत करवाओ भाई, कम कर दो। वो देखिए उतनी बड़ी ग्लास में क्या पी रहा है, अकेले पी जाएगा पूरा। उतना तो आराम से वो पी जाएगा ना ना पापा। नहीं नहीं वो तो छोटी है काफी,
उससे बड़ी ग्लास होती तो भी पी जाता मैं, मतलब वो पी जाता, छोड़ेगा नहीं। ये अमीर लोगों के चूचे। One chicken tikka and one fish African. Chicken order कर रहा है। बताओ चिकन ऑर्डर कर रहा है, बदतमीज। मांस मच्छी की स्मेल आ रही है एकदम। मम्मी अभी उसने ऑर्डर किया है, आया भी नहीं है उसका खाना और आपको अभी से फिश और चिकन की स्मेल आ रही है। इनको पहले ही आ जाता है स्मेल हर चीज का। एक बार हम ऑफिस की पार्टी से आए थे और हमने सिर्फ नींबू पानी पिया था वहाँ पे, तुम्हारी मम्मी जिद करके बैठ गई, नहीं आपने ड्रिंक्स लिया, आपने ड्रिंक्स लिया है, तब हम सोच रहे थे ले ही लिया होता। ये अजीब खाना निकला है ना, सिजलर से प्लेट में से धुआं आता है। जले हुए खाने के लोग पैसे दे रहे हैं। यार मम्मी प्लीज दूसरों के टेबल पे मत देखो। अरे मैं देख थोड़ी हूँ, अब धुआं आ रहा है वहां से तो मैं क्या करूँ, धुआं तो दिखेगा ना बेटा। वेरी एम्बैरसिंग। बात करना वैसे ही बंद कर रखा है इसने, बाद में देखे भी ना यहाँ वहां, चम्मच भी साफ नहीं रहता है पता है। ये लीजिए इससे खाइए। बहुत साफ हो गया, चेहरा दिखाई दे रहा है। अबे साले सॉरी, खाने के लिए दिया था, थैंक यू। सूप अच्छा है ना पापा मम्मा? मनचाऊ सूप है ये, अदरक का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अदरक ऐसे ही कंजूस होते हैं, चीजें डालते नहीं, पैसे लेने के लिए। मम्मी सूप है, अदरक वाली चाय नहीं है। तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारा होटल है ये, तो जो चीज अच्छी नहीं बनेगी क्या उसके बारे में बात नहीं कर सकते? तो ये सीखेंगे कैसे, सुधरेंगे कैसे ये लोग जो खाना बनाते हैं? हाँ दूसरा सूप पीना आपको? नहीं चाइनीज में अदरक और लहसुन ये तो मेन होता है ना इंग्रेडिएंट्स। आपको हर होटल का खाना बुरा ही लगता है, अच्छा है सूप? इनको बड़ा गुस्सा आता है किसी होटल में जाके कुछ, मतलब आए हैं तो एकदम चुप होके खाएंगे क्या? जो नहीं अच्छा लग रहा उसको भी हाँ बोलते हैं, हाँ बड़ा अच्छा है स्वाद लेके। अरे बट सच में अच्छा है, सुबह से गुस्से में मम्मी, हुआ क्या है? ये देखो 1500 की सब्जी, उसमें 4 पीस पनीर है पनीर टिक्का में। यही पनीर की सब्जी आपको याद है जब हम अन्नपूर्णा में खाते थे? हाँ भाई अन्नपूर्णा तो एकदम बचपन से देख रहा हूँ, जब खाना आते हैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट में तो आप लोग यही सारी बातें करते हो। इनकी बहनें आई हुई थी, पूरी फैमिली गई थी, एक पनीर टिक्का ऑर्डर हुआ था, पूरे परिवार ने खा लिया, उसी में बच भी गया था। इतने बड़े बड़े पनीर के टुकड़े एकदम फ्रेश। इतना बड़ा पनीर तो नहीं था बट इतना था। मम्मी बोल रही है जब इतना बड़ा पापा तो इतना ही बड़ा होगा पर ना। हाँ इतना ही था। आपको पता है बचपन में हम बालाजी जाते थे इसको लेके मसाला डोसा खाने? हाँ बालाजी का डोसा, ये बड़े मन से खाती थी वहाँ पे। हाँ बालाजी का डोसा राइट, कितना अच्छा होटल था बालाजी, बंद हो गया। असली तो वो ही देते हैं और उससे भी अच्छा तो वो अन्ना जो देते थे हमारे डोसा, अन्ना का डोसा बेटर था बालाजी से, कितना स्वादिष्ट भाई, उनका तो होटल खुलना चाहिए। होटल के डोसा में बात नहीं, नहीं डोसा खाना नहीं है बस बता रहे, बचपन में तुम बड़ा एंजॉय करती थी बालाजी का डोसा, अब तुम यही सब खाती हो। नहीं डोसा अभी भी पसंद है। पहले से सॉस मत डालो ना बेटा, पहले टेस्ट करके देखो, कुछ कम लगेगा तब डालना। बंद कर दे। इससे अच्छा पास्ता तो मैं घर पे बना लेती हूँ, तब नहीं खाती, इससे अच्छा ही बनता है मेरा। नो डाउट आपका पास्ता अच्छा बनता है पर आप पास्ता में गोभी डाल देते हो। वो नहीं पुष्पा आई थी उस दिन घर पे, उसके बच्चों को मैंने यही पास्ता बना के दिया था, उसके बाद जब आते हैं घर पे कहते हैं नहीं मंजू आंटी के हाथ से पास्ता खाएंगे, पर हमारे खुद के बच्चे नहीं खाते, वो बाहर ऐसे होटल में आके अभी इसी चीज का 1200 देंगे। वो बच्चे नादान होते हैं ना मम्मी, बेवकूफ होते हैं। ऐसा तो आप भी मुझे आलू की सब्जी खिला देते थे, बोलते थे फ्रेंच फ्राइज है। खाओ खाओ तुम यही खाओ, होटल का ही खाना, अब कटर नहीं है। जब माँ के हाथ का खाना मिलना बंद हो जाएगा ना तब याद आएगी। बोल लो आप, आज आपका बर्थडे है, जो चाहे वो बोल लो, ऐसे नॉर्मली भी आप बोल ही लेते हो। आज एक्स्ट्रा फ्री हैंड दाल फ्राई इनकी वाकई में बहुत अच्छी है, 4.5 out of 4.5। बाहर से तो इतनी साफ सफाई है, सब सुंदर दिख रहा है, किचन देखना इनका जाके, कॉकरोच कली सब ऐसे हाथ और धोते नहीं, ऐसे खुजली उजली करेंगे बगल उगल में पसीना उसी से। मम्मी अभी किचन में साफ सफाई, आपको कैसे पता यहाँ का भी किचन गंदा ही होगा? तो कहते हैं ना जोक होता है कि इसीलिए इनका खाना टेस्टी बनता है। अबे तुम नहीं खा रहे हो हम तो खाएंगे, और यहाँ का तो फिर भी टेस्टी नहीं है। किस बात के इतने पैसे ले रहे हैं ये लोग, ये एसी वगैरह चलाते हैं ना, ये लाइटें लगाते हैं, इसी बात का पैसा ले। देखेगा अभी बिल आएगा ना तब GST और क्यों लेके आई मैं। मेरे समझ में नहीं आता लोग होटल आके पिज्जा क्यों खाते हैं।
तो क्या खाएंगे? होटल में आके छोले खाएंगे? कुछ अच्छा खाओ ना, बाहर आए हो तो वही पिज्जा बर्गर खाएंगे होटल में आके। अरे इंसान होटल में अपने पैसे देके जो चाहे वो खाए भाई, इसीलिए तो होटल बनाया जाता है कि अपने मर्जी से ऑर्डर करके खा सके। ऐसा नहीं ना जब घर में अगर परवल बनाए तो परवल ही खाना पड़ेगा। नहीं जैसे एक बात कह रहे हैं। एग्जैक्टली आप चुप रहिए। डिजर्ट में क्या खाना है? मीठे में कुछ ऑर्डर करना मत, घर पे केक तो पड़ा ही है। घर पे केक अभी वो 3 दिन चलेगा, आज खाते हैं ना कुछ अच्छा। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन है पापा, फालूदा खाते हैं। फालूदा तो यहाँ से चल के वहाँ फालूदा खा लेंगे ना मेवाड़ वाले भैया का। अरे क्या मेवाड़ का फालूदा, अभी रोज खाते हैं वो भी आप। इन लोगों का फालूदा बस दिखता अच्छा, टेस्ट एकदम बिल्कुल नहीं, बकवास। आप भी खाएंगे? शुगर बढ़ रहा है आपका। अरे एक दिन बर्थडे के दिन चलता है मंजू। पेट भी, वॉक पे जाने के लिए तो पैर दर्द होने लगते हैं, ठूसने के लिए मुंह नहीं दुखता है आपका है? मुंह तो तुम्हारा भी नहीं दुखता है हमें ताने मारते पर। हैप्पी बर्थडे। अमेजिंग है, आप लोग होटल में भी झगड़ ही लेते हो। क्यूट कपल गोल्स किसी और के लिए। मैं इनके लिए भी मंगा दो बेटा। 5,000 तो बिल आया है। देखा, कहा था ना, मैं तो पहले से बोल रही थी बहुत ज्यादा ही महंगा है ये। 5,000 ज्यादा हो गया, बट ठीक है ना, बर्थडे तो एक ही बार आता है ना मम्मी आपका। टोटल CGST, SGST, सर्विस टैक्स, इतना टैक्स, लूट मची है। तो निचोड़ लेंगे ये लोगों का पैसा। तभी तो देखो वेटर को, देखो लग रहे वेटर है, तो तुम्हारे पापा लग रहे वेटर इन लोगों के सामने। अच्छा तो मैं वेटर कैसा दिखता हूँ? नहीं जैसा, नहीं आपको नहीं कह रही हूँ, आप बिल भरिए ना। नहीं नहीं तो उधर मत देखो, देखा तुम्हारी मम्मी को। बर्थडे गर्ल, टिप देने की कोई जरूरत नहीं है। टिप क्या क्या? 10 रुपए। अच्छा 15 रुपए टिप। पापा प्लीज मम्मी का सुनो, इतने बड़े होटल में आए मंजू 10-15 रुपए टिप। बर्थडे तो क्या रियासत लुटवा दे क्या अपनी, घर इनके नाम कर दे। जायदाद है ही कितनी जो उसको दे दूं। जिसका बर्थडे उसको तो कुछ गिफ्ट दिया नहीं, वेटर को टिप देंगे मेरे बर्थडे के दिन। उसके बर्थडे के दिन देना ना उसको बढ़िया टिप। 15 रुपए टिप ज्यादा नहीं हो गया? बहुत, इतना महंगा खाना वो भी एक टाइम का। इससे तो 200 कम में एक फूड प्रोसेसर आ जाता मेरे लिए। फूड प्रोसेसर लेके क्या करोगी अब, उसमें भी टिंडे और परवल का ही मसाला। पापा टिंडे नहीं बनेंगे उसमें, लौकी बनेगी। नहीं बाबा मैं तो पहले बता रही हूँ, अगली बार मैं इस होटल में तो पैर नहीं रखूंगी, फिर कभी नहीं आएंगे वापस यहाँ पे। चलो अभी मुझे भूख लगी है, मैं तो घर जाके अपने छोले चावल खाऊंगी। नाइस, जिसके बर्थडे के लिए आए थे वो घर पे जाके अभी छोले खाएगा। अम्मी से चले। इस बार लगता है मम्मी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। सौंफ तक नहीं ठूसा यार टिश्यू में। बट ये मेरा अकेले का ऐसा इशू है, फैमिली का कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है लगभग, या ऑलमोस्ट सेम। प्लीज बताइए ना ताकि मैं उसे वीडियो बना सकूं। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो देख के चुपचाप चले मत जाओ, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब किया तो वीडियो देखो। ये क्या है बदतमीजी लगा रखी है? ऐसा मैं गुस्से से बोल सकती थी, बट मैं तो प्यारी इंसान हूँ, तो सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, बाय।